रिश्ते वो ज्यादा खालिस होते हैं जिनमें मोहब्बत जरूरत पे हावी हो जाए। इंसान तीन ही अच्छे होते हैं, एक वो जो मर गया, दूसरा वो जो पैदा नहीं हुआ, तीसरा वो जिसे हम जानते ही नहीं। जो किसी की कदर नहीं करते उन बेकदरों की अपनी भी कदर नहीं होती। मोहब्बत का भी एक अलमिया है, ये कमबख्त अक्सर वहाँ होती है जहाँ इसकी जरूरत नहीं होती। अम्मा कहती हैं, बेटा लोगों के इरादे किताबों में थोड़ी लिखे होते हैं, कब हाथ थाम लें कब छोड़ दें। आप नफरत को समझते हैं ना ही मोहब्बत को। नफरत भी मोहब्बत करने का दूसरा तरीका है। अदब तारीख और फलसफे की किताबें पढ़ने वाला इंसान कभी इंतहा पसंद नहीं हो सकता। अगर तुम अपनी मौत के बाद किस्सा पारीना नहीं बनना चाहते तो तुम पर लाजिम है कि कुछ ऐसा लिखो जो पढ़े जाने का मुस्तहिक हो, या कुछ ऐसा करो जो लिखे जाने का मुस्तहिक हो। अगर अपनी बेटी की जिंदगी संवारना चाहते हो तो ये एक काम करो, उसे बचपन से ही पर्दा करना सिखाओ और अपने प्यारे दीन इस्लाम पर चलने की तलकीन करो। हम लोग इंसानों के ऐसे डसे हुए हैं कि कोई सच्ची मोहब्बत भी कर रहा हो तो धोखा लगता है। इस मुआशरे में मर्दानगी का ताल्लुक जिस्म के बस एक खास हिस्से से रह गया है, हालांकि मर्दानगी मर्द की बर्दाश्त, ज़हनी शऊर और दिली एहसास का नाम है।